राम राम साय। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। ये लाइन आप पिछले 3 सालों से सुन रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस लाइन को मुझे और सीकर संदेश को अपना प्यार देते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान कमाता है और उसमें सबसे मुश्किल जो कमाना है वो प्यार है, ख़ास तौर से आप लोगों का। लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मुझे एक ऐसा कारण सीकर संदेश मिला जिसकी वजह से आज मुझे आप सभी लोगों का, बड़ों का, बच्चों का, सभी का प्यार मिल रहा है, बिल्कुल छोटे भाई की तरह। लेकिन बहुत बार अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सीकर संदेश शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, आप सीकर संदेश क्यों चला रहे हैं, क्या इसमें फ़ायदा है। आज मैं चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा मौका है और मौका है सीकर संदेश के 3 साल पूरे होने का। आज यानी 19 जुलाई 2017 को हमने सीकर संदेश की शुरुआत की थी एक बहुत छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पे, लेकिन जिसका एजेंडा बहुत बड़ा था। 3 साल पहले 19 जुलाई 2017 को जब हमने इसे शुरू किया था, तब एक बहुत सामान्य सी दुविधा मेरे मन में जो काफ़ी समय से चल रही थी वो थी कि जब मैं अपने काम के सिलसिले में सीकर के अलावा दूसरे शहरों में जाता था, दूसरे स्टेट्स में मैं ट्रेवल करता था, तब मैं देखता था कि हमारे शहर सीकर और दूसरे शहरों के बीच में बहुत सारी चीज़ों का फर्क है। आप देखते हैं कि वहाँ पे व्यवस्थाएं अलग है, यहाँ पे व्यवस्थाएं अलग है। आप देखते हैं वहाँ की सड़कों को, वहाँ की सफाई व्यवस्था को, लेकिन वो यहाँ पे अलग है, दूसरे शहरों में अलग होती है। तब लगातार ये काफ़ी समय तक देखते रहने के बाद में मुझे ये सोचा मैंने कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम इन सब बातों को रख सकें, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम जनता के सामने उन्हें ला सकें ताकि उनकी सुनवाई हो, उन पे विचार किया जाए और उन समस्याओं का निराकरण आम जनता के पक्ष में हो। इसके लिए हमने 19 जुलाई 2017 को अपने ऑफिस से सीकर संदेश की शुरुआत की थी। शुरुआत छोटी थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एजेंडा, इसका उद्देश्य बड़ा था और उस उद्देश्य को पूरा करते हुए आज हमें करीब 3 साल हो गए हैं। और मुझे ये खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमने इन 3 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली है, बहुत सारा चीज़ें हमने अपग्रेड करी है। हम छोटी से बड़ी जगह तक पहुँचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा मूल उद्देश्य था उससे हमने कोशिश की है कि बिल्कुल भी हम नहीं भटके। 3 साल पहले हम जो जन सामान्य के, जन सरोकार के, आम जन के मतलब के मुद्दे थे, तब भी हम वो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने रख रहे थे और आज भी हम वही कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 3 साल पहले जब हमने ये शुरू किया था तब हम सिर्फ फोटोग्राफ्स, वीडियो, जो लाइव वीडियोस होते हैं उनके माध्यम से आप तक खबरें या इस तरह की समस्याएं पहुंचाया करते थे। जनवरी 2018 में हमने पहली बार एक सब्जेक्ट जो चाइनीज मांझे का है उसे हमने सबसे पहले एक वीडियो के माध्यम से, वीडियो स्टोरी के माध्यम से आपके सामने रखा था। और उसके बाद एक नया सिलसिला चल पड़ा जिसने हमारे लिए और बहुत सारे आयाम खोल दिए थे, जहाँ पे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी समस्या को, किसी भी बात को, किसी मुद्दे को आपके सामने रख सकते थे। उसके बाद लगातार बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर हमने वीडियोस बनाए, वीडियो स्टोरीज की और उन्हें संबंधित अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाया भी। उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मामले में सुनवाई भी हुई, जिनके मामले में काम भी आगे बढ़ा और उनके हल भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरे मन में हमेशा एक खलिश रही कि जिस तरीके से आम आदमी मेहनत करता है, जिस तरीके से आम आदमी अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाता है, समाज में किसी तरीके से अपनी इज्जत बनाता है, उसी तरीके से जनप्रतिनिधि या प्रशासन अपना काम क्यों नहीं करते। आप सोचें कि आपने अपने परिवार के लिए पैसा कमाने में या अपने परिवार को अच्छे संसाधन देने में कहाँ कमी छोड़ी? कहीं नहीं। आपने दिन रात अपना पसीना बहाया है तब आज इस शहर में आपका घर है, आपके पास गाड़ी है, आपका, आपकी इज्जत है। लेकिन उसके बावजूद जब हम शहर में निकलते हैं तब क्या होता है? खराब सड़कें, गड्ढे, कचरा, ये सारी चीज़ें और ये सारी, मैं कहूँ, अव्यवस्थाएँ हमें देखने को मिलती है। और उसका कारण क्या है? लचर प्रशासनिक व्यवस्थाएं, गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और इस तरह का सरकारी सिस्टम जहां पे आम आदमी की
आपकी और मेरी सुनवाई कम होती है, उसके लिए हमें एक ऐसे मजबूत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐसे एक मीडिया के तौर तरीके वाला प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहां हमारी बात को एक आवाज़ के बजाय 100 आवाज़ों का साथ मिल सके, ताकि उस मामले को प्रमुखता से इन सब लोगों के सामने रखा जा सके और उससे उसका हल निकलवाया जा सके। इसके लिए सीकर संदेश पिछले 3 सालों से काम कर रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं और मेरी टीम हमेशा इसके लिए काम करते रहेंगे, ताकि आपका और हमारा जीवन इस शहर में, जो हमारा शहर है, जहाँ हम पले बड़े हैं, जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे बच्चों के खेलने का घर है, वो हमेशा ज़्यादा बेहतर बन सके। आज जैसा है, कल उससे भी बेहतर हो और परसों और भी बेहतर हो, इसके लिए हमने कोशिश की है आपके साथ मिलकर। आप हमारा सहयोग करेंगे, आप हमारा साथ देंगे, तो हमारी कोशिश को और मजबूती मिलेगी। आज के इस मौके पर मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक मुझे हमेशा हिम्मत दी है। इस फील्ड में मैं बिल्कुल अनजान था, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपने स्कूली टाइम में कभी असेंबली में सामने आकर अखबार तक नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोगों के प्यार और हौसले की वजह से आज भरी भीड़ में मैं लोगों के सामने आपसे बात कर सकता हूँ, आपके मुद्दों को उठा सकता हूँ, बड़ी किसी रैली या बड़े किसी आयोजन या बड़े किसी आंदोलन में आपको वहाँ की खबर को, उस मुद्दे को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकता हूँ। ये सिर्फ आपके दिए हौसले और प्यार की वजह से मुमकिन हुआ है। उसके बाद हमारी टीम में विष्णु जी भाई साहब, अभिषेक भैया, राज जलिंद्रा, ओंकार भाई साहब, महेंद्र जी रणवा, महेंद्र जी बल्डोदिया, आशीष भैया, जिनके सहयोग के बिना आज इस सीकर संदेश की परिकल्पना मुमकिन नहीं थी। इन सभी लोगों ने हमें भरपूर सहयोग किया, हर तरीके से, जिस तरीके से भी हमें ये सहयोग कर सकते थे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सीकर के एडमिनिस्ट्रेशन का भी, सीकर के जनप्रतिनिधियों का भी, कि भले ही हमने सीकर संदेश के माध्यम से उन्हें उनके काम के लिए कितना भी क्रिटिसाइज़ किया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी हतोत्साहित नहीं किया, कभी भी ये नहीं कहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या आप किसी की आप क्रिटिसिज्म करना गलत है। उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमेशा हमारी स्टोरीज देखी और उन स्टोरीज़ में जहाँ जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, जहाँ जिस तरीके से वो उस स्टोरी के माध्यम से देखकर उसे उस मुद्दे पर आम जनता की मदद कर सकते थे या उसे जैसे भी रिजॉल्व कर सकते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की। हमारे सीकर के नगर परिषद चेयरमैन की हम बात करें, भले ही हम शहर विधायक की बात करें, हमारे सांसद महोदय या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जिला कलेक्टर साहब हैं, SP साहब हैं, हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब जयप्रकाश जी नारायण का हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें हमेशा अप्रिशिएट किया। और हमारे मीडिया जगत में बहुत सारे ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखता था। उनके एप्रिसिएशन की वजह से ये रहा कि मुझे कभी भी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे जहाँ भी कोई स्टोरी करने में या किसी और तरीके की चीज़ में जहाँ भी मुझे कमी महसूस हुई, जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा था, वो उन्होंने मेरे लिए मदद की, और जिसकी वजह से आज बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये कोशिश आप सब लोगों के सामने है। और आपका जो मिल रहा प्यार है लगातार, उसकी वजह से ये हमें हर दिन और ज़्यादा बेहतर करने की हिम्मत देता है। तो मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से अपने इस छोटे भाई पर अपना प्यार बनाए रखें, अपना सहयोग बनाए रखें, और जहाँ मेरी ज़रूरत हो वहाँ आप मुझे बताएं, और जहाँ मुझे आपकी ज़रूरत हो वहाँ आप मेरा सहयोग करें। आपसे फिर मिलता रहूँगा, इसी तरीके से आपके सामने स्टोरीज लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।